नंबर एक इस्माइल हानिया। नंबर दो यहिया सिनवार। नंबर तीन मोहम्मद दईफ। नंबर चार खालिद मशा। हमास के इन नेताओं की मौत का काउंटडाउन मोसाद नोट कर रही है। इसराइल भले ही गाजा में सीज फायर पर उम्मीदों वाले दांत दिखा रहा हो, लेकिन उसका असली दांत अब हमास के विदेशों में छिपे नेताओं के खिलाफ दिखने वाला है। हमास के आकाओं की अब खैर नहीं है। इसराइल ने हमास नेताओं की मौत का फरमान जारी कर दिया है। हमास के ये नेता कहां छिपे हैं, इसकी पूरी डिटेल दस्तावेजों की रोशनी में आपको दिखाएंगे। वॉर रूम में बेन्यामिन नेतन्याहू। फौज के बीच बेन्यामिन नेतन्याहू। और अब दुनिया के नक्शे से हमास को साफ करने का ऐलान। רק לגבי השאלה של אלה שמחוץ לקטר, יותר נכון אלה שמחוץ לרצועה, מבחינתנו כל אנשי חמאס הם בני מוות. बेन्यामिन नेतन्याहू का एक्शन और नेतन्याहू के तेवर दोनों देखकर इसराइल युद्ध में सीज फायर की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। जिस लेवल पर इसराइल ने गाजा में बर्बादी की स्क्रिप्ट रेडी की है, उसके कंप्लीट होने तक नेतन्याहू रुकने वाले नहीं हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री ने हमास के खिलाफ नया ऑर्डर जारी किया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने खुफिया एजेंसी मोसाद को नया टास्क दिया है। ये टास्क है हमास के आतंकियों को, वो चाहे दुनिया में कहीं भी छिपे हों, चुन चुन कर मारना। मोसाद टारगेट किलिंग के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में मोसाद ने मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। दुनिया भर में मोसाद के एजेंटों को जिम्मेदारी दी गई है कि हमास के एक एक आतंकी का पता लगाओ और उन्हें मौत की नींद सुला दो। सात अक्टूबर को मोसाद फेल हो गई ये पता लगाने में कि हमास इसराइल पर हमला करने वाला है। दुनिया भर में मोसाद की ताकत पर सवाल उठे, लेकिन मोसाद ने इसका जवाब गाजा में दिया। मोसाद इस वक्त फुल ऑन एक्टिव है। गाजा के गली गली में इसराइल के सीक्रेट एजेंटों का पहरा है। हमास की करीब 500 किलोमीटर लंबी बीछी गाजा की सुरंगों का चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं मोसाद के टॉप एजेंट। मोसाद अपने 7 अक्टूबर की नाकामी का बदला हमास से ले रहा है। गाजा में तो मौत बांट ही रहा है, अब मोसाद विदेशों में छिपे हमास के लीडरों को मौत की नींद सुलाएगा। हमास का एक भी टॉप का लीडर इस वक्त गाजा में नहीं है। यहिया सिनवार या इस्माइल हानिया जैसों को पकड़ने या उनके मौत या उनके खात्मे के लिए मोसाद को दूसरे देशों में ऑपरेशन चलाना होगा। मोसाद का रिकॉर्ड बताता है कि इस काम में मोसाद माहिर है। אני רוצה להיות ברור, המלחמה נמשכת, המלחמה נמשכת, אנחנו נמשיך בה עד שנשיג את כל מטרותינו, להשיב את כל חטופינו, לחסל את החמאס ולהבטיח שביום שאחרי החמאס לא ישלוט בעזה גורם שתומך בטרור, שמחנך את ילדיו לטרור, שמשלם למחבלים או לבני משפחותיהם. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל. पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल ने गाजा पर जब जब हमला किया है, गाजा छोटा होता गया है। इस बार भी होना तय है, लेकिन सिर्फ गाजा में हमास के खात्मे से इसराइल का ये परमानेंट दुश्मन नेस्तोनाबूद नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर है। हमास के कंप्लीट अंत के लिए उन लीडरों को टारगेट करना होगा जो गाजा या वेस्ट बैंक में नहीं रहते। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर हमास के ये टॉप नेता ऐसी कौन सी जगह पर रहते हैं जिसे लेकर इसराइल की जवाबी कार्रवाई का उन्हें कोई डर नहीं है। कतर की राजधानी दोहा में, मिस्र की राजधानी काहिरा में, ईरान की राजधानी तेहरान में, तुर्की के इस्तांबुल में,
इस्माइल हानिया और उसके बेटे के पास तुर्की का पासपोर्ट है। हमास के ये हुक्मरान जिस देश में रहते हैं उसके सरकारी पैसों पर मौज करते हैं, कतर में अमीरों से मिलकर हमास के लिए फंडिंग जुटाते हैं। इन पैसों का ज्यादातर हमास के टॉप लीडरशिप अपने ऐशो आराम पर खर्च करती है, लिहाजा मोसाद के लिए इन हमास नेताओं को पकड़ना या मारना मोसाद के लिए आसान टास्क नहीं है, क्योंकि हमास के टॉप नेता गाजा के किसी एक घर में मौजूद हों तो इसराइल को उसे खंडहर बनाने में एक पल की भी देर नहीं लगेगी। इसराइल का जासूसी जाल इतना बड़ा है कि उसमें बड़े से बड़े फंस जाते हैं। मोसाद की जासूसी की सफलता की कहानियां विश्व इतिहास में भरी पड़ी है। मोसाद ने सालों दशकों में जो कारनामा किया है उसे एक बार फिर दोहराने का वक्त आ गया है। मोसाद ने इसके लिए कितनी बड़ी प्लानिंग की है इसके डिटेल आपको दिखाएंगे। उसके पहले मोसाद के बारे में कुछ बेहद जरूरी डिटेल देख लेते हैं। बिलियन के सालाना बजट और 7000 मंजे हुए कर्मियों के साथ दुनिया भर में अजी और किलिंग मशीन के नाम से मशहूर और अमेरिका की खुफिया एजेंसी यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के बाद सबसे सशक्त खुफिया एजेंसी है मोसाद। मोसाद का खुफिया जानकारी जुटाने, गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम तक पहुंचाने और आतंकवाद का मुकाबला करने में कोई सानी नहीं है। मोसाद का विशाल जासूसी नेटवर्क न सिर्फ आतंकियों के आकाओं की गतिविधियों के बारे में गहन जानकारी देता है बल्कि जरूरत पड़ने पर उनकी हत्याओं को अंजाम देने में भी नहीं चुकते। वेस्ट बैंक में रची गई साजिशों को नाकाम किया, दुबई में कथित तौर पर हमास के चरमपंथियों का खात्मा किया और ईरान में घुसकर ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों पर हमला करके उन्हें मौत की नींद सुला दिया। बेन्यामिन नेतन्याहू को मोसाद पर पूरा भरोसा है। मोसाद इस भरोसे पर खरा भी उतरता है, लेकिन मोसाद कैसे हमास के नेताओं को खत्म करेगा, क्योंकि जहां वो हैं वहां की सरकार उनके साथ है, ये एक बड़ा सवाल है। लिहाजा आपको मोसाद के उस डिवीजन के बारे में जरूर जानना चाहिए जो टारगेट किलिंग का मास्टर है। स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, जिसे कि मेदसादा के नाम से भी जाना जाता है, अत्यधिक संवेदनशील हत्याएं, तोड़फोड़, अर्धसैनिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे अभियान चलाता है। इसका एलएपी यानी लोहामा साइक्लोगिट विभाग मनोवैज्ञानिक युद्ध प्रोपेगेंडा वगैरह के लिए जिम्मेदार होता है। इसराइल का अस्तित्व उसके संघर्षों में, उसकी लड़ाई की ताकत में, उसके जासूसी नेटवर्किंग के कारण है। इनमें से एक भी तंत्र फेल होने पर 7 अक्टूबर के तरह क्रूर हमला होता है। मोसाद 7 अक्टूबर से पहले ईरान मिशन पर था, लेकिन अब मोसाद क्या? पूरे इसराइल का एक ही मकसद है, हमास का सफाया। इस सफाए के काम में मोसाद के इशारे पर ही एक और खूंखार इसराइली यूनिट को लगाया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स की यूनिट 504 एक्शन में है। यूनिट 504 एक जासूसी यूनिट है। यूनिट 504 ने ही गाजा के अस्पतालों में हमास के कमांड सेंटर होने की रिपोर्ट दी थी। 7 अक्टूबर के हमले के बाद यूनिट 504 ने अपनी ताकत दोगुनी कर दी है। यूनिट 504 का लक्ष्य मोसाद और शिन बेट की तुलना में रणनीतिक रूप से छोटे होते हैं। यूनिट 504 गिरफ्तार किए गए आतंकियों या उनके समर्थकों से पूछताछ करती है। मोसाद से ही जुड़ी एक और बड़ी एजेंसी है शिन बेट, जिसका मेन फोकस हमेशा से गाजा होता है। शिन बेट ने गाजा की हर एक ईंट उलट कर देखा है। ये एजेंसी 7 अक्टूबर के पहले भी एक्टिव थी, लेकिन चूक हो गई। अब शिन बेट के एजेंटों का भी खून खौल रहा है और इसी खौलते खून को इसराइल के काम लाना चाहते हैं बेन्यामिन नेतन्याहू। ये शीशे की तरह साफ है कि हमास गाजा में जमींदोज हो भी गया तो इसके फिर से नहीं पनपने की क्या गारंटी है। इसराइल इस बार पक्का ठान के चला है कि हमास जमीन पर जहां भी जिंदा होंगे मार गिराए जाएंगे।